गुरुजी हम मंदिर पहुंच गए हैं, बताइए अब क्या करना है। गाड़ी लेफ्ट में ले लो। ए भाई गाड़ी लेफ्ट में लो। सुनो काम की रफ्तार को और बढ़ाओ। क्या मूर्ति को हटाना जरूरी है? नहीं तो मंदिर का ढांचा गिर जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ। देवी माँ हमारी रक्षा करती आई हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम मंदिर की देखभाल ठीक से करें। तांत्रिक शक्तियाँ जाग गई तो? इसीलिए तांत्रिकों को यहाँ से दूर रखना होगा और ये जिम्मेदारी मैंने लक्ष्मण को दी है। आपने बिल्कुल सही इंसान को ड्यूटी दी है। अरे तांत्रिक तो बहुत दूर की बात है, भूतों को भी मंदिर के पास नहीं आने दूंगा। अरे भाई सुनो जरा ठीक से काम करो, देवी माँ के काम में कोई कमी ना हो। अरे सुनो मूर्ति को ध्यान से उठाना, एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। ठीक है मालिक, हम ध्यान रखेंगे। वैसे कितने दिनों तक देवी माँ के बिना रहना होगा? तकरीबन 8-9 दिन में मरम्मत का काम पूरा हो जाना चाहिए। ठीक 10वें दिन हम मूर्ति को विधि विधान के साथ फिर से यहीं पर स्थापित करेंगे। जय हो देवी माँ की। क्या बात है बाबा, आपने इतनी जल्दी में बकरियां क्यों मंगवाई? सालों बाद देवी की मूर्ति हटाई जा रही है, दुनिया पर राज करने के लिए हमारे पास अंतिम अवसर। सिर्फ हमारे गांव के ही नहीं, हर जगह से लोग भूत पिशाच से छुटकारा पाने के लिए बलि चढ़ाने यहां आते हैं। देवी की मूर्ति हटाते समय मंत्रोच्चार के साथ उनका अभिषेक भी किया जाए। देवी को 10 दिनों तक अनाज से भरे संदूक में रखा जाएगा। इन 10 दिनों के लिए देवी अपनी सारी शक्तियाँ खो देंगी। यही मौका है सोई हुई शैतानी आत्माओं को जगाकर अपने वश में करने का, ताकि उन्हें अपने वश में करके उनकी काली शक्ति से हम दुनिया पर राज कर सके।
कल से कारपेंटर अपना काम शुरू कर देंगे, आप अपनी निगरानी में हाँ। पूरा काम करवा लेना, आप फिक्र मत कीजिए। जय हो देवी माँ की। मंदिर में महायज्ञ के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं, इतना सारा काम बाकी है, ये सब काम हमें ही करना होगा, किसी और के भरोसे नहीं रह सकते। ये तो वही गूंगा साधु है, ये तो हमेशा शांत रहता है, आज चिल्ला क्यों रहा है? कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है, शायद भूखा होगा। ये केले दे दीजिए। ये लो केला। इसने तो केले फेंक दिए। जनाब ये कोई पागल भिखारी है, इसके कपड़े देख के तुम इसे साधु समझ रहे हो। चल पर ताला किसने लगा दिया? लगता है कोमल फिर से ताला लगा के सोने चली गई है। आवाज देकर बुलाओ उसे। गलत फैमिली हो गई है, वो नहीं आएगी। 23 सालों से उसकी मुझसे कट्टी है। यानी इतने सालों में समझौता नहीं हुआ? पाकिस्तान में हो सकता है। पर गेट पर ताला क्यों लगाया? मैंने नहीं लगाया। तो खुद चलकर आके लटक गया। एक ताला अपने मुंह पर भी लगा ले। न मन्ने थारी शक्ल देखनी है ना आवाज। पता नहीं तुम लोग कब सुधरोगे। खुद की शक्ल तो चमगादड़ जैसी है और आवाज मेंढक जैसी। एक ही कैसेट कितनी बार चलावेगा? Oh!
चिल्लाने की आवाज आई। हॉल में पहुंचा तो देखा कि साहब फर्श पर बेहोश पड़े हैं। सर पर चोट लगने की वजह से वो कोमा में चले गए, लेकिन डॉक्टर कहता है कि खतरे से बाहर है। मुरली को फोन किया? कई बार किया है, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा। फोन लगेगा कैसे? शादी से पहले इस तरह साथ में घूमना पाप है, ये सब कुछ तो होना ही था। दोनों की सगाई हो चुकी है, इसमें पाप कैसा? मैसेज करती हूँ। क्या हुआ? पापा कोमा में है। मुरली, यू डोंट वरी, अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि अस्पताल की जगह ने घर में ही रखा जाए, घर पे रहेंगे तो शायद जल्दी होश आ जाए। ये नर्स है, बाबूजी की देखभाल के लिए यहाँ आई हैं, गेस्ट रूम में ठहरी हैं। मुझे एक जरूरी काम से इलाहाबाद जाना है, तुम यहीं पर रुको और अंकल की देखभाल करो। इनका लगेज गाड़ी में रख दो। जी ठीक है। मुरली, सुरेश चलो आओ। देखो वहाँ पर कोई है। ए, कोई नहीं है वहाँ पर। चलो चल, कुछ भी बोलते रहता है। कई साल पहले उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट लग गई थी, न चल पाते थे न लेट पाते थे। ऐसे में एक वैद्य जी आए और उन्हें ठीक कर दिया। जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो वैद्य ने कर दिया। अगर हम भी उन्हें बुला लें तो तुम्हारे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस उस वैद्य को बुला दीजिए। मुझे याद है मैंने उनका नाम और एड्रेस एक डायरी में लिखा था, मैं अभी उनको लेटर लिखता हूँ। तो इज्जत लायक तो है नहीं, पढ़ना दिखावा करना पड़ता है ना, इसलिए इडली खूब बिके, धंधा खूब चले, फोकट में इडली खाने वाले कम आए। किसका पार्सल है? सरकारी अस्पताल से 10 प्लेट इडली का ऑर्डर है। उधर ही जा रहा हूँ मैं, तुम टपरी संभालो। ऑर्डर किसका है? उधर के एक डॉक्टर को फूड पॉइजनिंग हुआ है, उसी के रिश्तेदार ने मंगवाया है। अरे उसको बोलो इडली खत्म हो गई है। अरे इतने अच्छी कमाई को लात को मारो। हाथ ले, कमाई पे लात नहीं, हमारे पिछवाड़े पे लात पड़ेगी। उस डॉक्टर को कल मैंने अपने हाथों से डोसा खिलाया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गया। ले ले, धंधे में ध्यान दे। आओ हवलदार साहब, डोसा खा के जाओ ना। अरे इसकी हियरिंग है, खाकर जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा। बिना कुछ खाए जाएंगे ना तो कान का हियरिंग बंद हो जाएगा और पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाएगा, गैस का गोला। ये भाग जाएगा अगर मैं खाने बैठूंगा। जरा मुंह तो देखो इस मासूम का, इडली की तरह बिल्कुल नरम है वो। ये तो अकेला मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा सकता, ये क्या खाक भागेगा। खोलो खोलो इसको, इसको गाड़ी से बांध लो, खा लो फिर जाओ। भागने की सोचना भी मत, ये कीचड़ में पड़ा था इडली लाओ ने, बिल्कुल हिलना मत। मासूम दिखता है, झूठे केस में फंसा लगता है। ये सोचना हमारा काम नहीं है, चल तू पानी डाल। अरे मेरा मुजरिम भाग है, कोई रोको उसे। अरे कोई ऐसे भागता है क्या? मेरी हथकड़ी तो देते जा, वरना मेरी पगार से पैसे कटेंगे। ये उस गांडा भाई ने मेरा इडली सांभर का दुकान तोड़ दिया और तुम्हें हथकड़ी की पड़ी है। अच्छा मालिक, सारे बर्तन टूट गए, सारे गोल पर ये चौकोर हो गए। बर्तन को चटनी लगी थी तो कुत्ते लोग चाटने के लिए बर्तन ले गए। आपके पापी पिता का फोटो बचा, ये लो। अरे मैंने पिता के प्रेम में इस मनहूस फ्रेम को नहीं टांगा। किसी ने बोला है गधे का फोटो लटकाने से धंधे में गुड लक आता है। गधे लोगों ने अपना फोटो दिया नहीं तो मैंने इस गधे का फोटो टांग दिया। मेरी दुकान का फाफड़ा ढोकला हो गया, अब ये फोटो क्या काम का है, इसको फेंक। मालिक, हमारी किस्मत खुलने वाली है, ये लेटर नहीं है, लॉटरी का टिकट है। तू गांडा हो गया। अरे मालिक, वो जमींदार बहुत बीमार है, तो इलाज के लिए तुम्हारे पिताजी को बुला रहे हैं, कोई भी कीमत देने को तैयार है। मेरा पिता तो नरक में बैठा है। जरा गौर से देखो, तुम में और तुम्हारे पापी बाप में एक ही फर्क है, तुमको डिटर्जेंट पाउडर से धोया तो ऐसा ही सफेद होएगा। लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं है। उनको नहीं पता, ये तो आप उनके बीच का सीक्रेट है। नकली डॉक्टर बन के जाएंगे और असली कैश लाएंगे।
यहाँ क्यों आया? जाके सो जा। मेरे बिस्तर पर कोई है। हा? मेरे बिस्तर पर कोई है। कौन? पता नहीं। चल मेरे साथ। चल दिखा। आए हो? वो तो एक घंटा पहले ही सो चुका है। दादाजी के पास कौन है? काम है किससे मिलना है? 11 मुल्कों की हॉस्पिटल मुझे नाड़ी मुथु कहती है। तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। हमारा नाम किसने नहीं सुना होगा? इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज जो किया से। सही बोला, जिसका भी इलाज मैंने किया है उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। कोमल, कोमल! अरे मालिक, वो आदमी कोमा में चिल्ला के काहे को भागा? कोमा में नहीं, कोमल। कोमल, कोमल, कोमल। एक काम कर, तू कोमा में मेरे अभी आता हूँ। कोमल, कोमल, आज तुम अपने भैया का चंदा सा मुखड़ा फिर से देखोगी। बाहर जो वैद्य साहब जी के इलाज के लिए आया है वो कोई और नहीं, प्लेटफॉर्म पर बिछड़ा तुम्हारा शाहरुख खान है। सच्ची? हाँ बहना, वो वही है तुम्हारा पुराना पागल प्रेमी। मैंने इतनी अच्छी खबर सुनाई, अब खिलाना मुझे मलाई। कुत्ता, बिल्ली, मेंढक सबकी आवाजें सुनाई दे रही है, धड़कन की आवाज नहीं आ रही। पापा की लाइफ को कोई खतरा तो नहीं? कोबरे के मुंह से बचाना आसान है, लेकिन कोमा में से? सब कहते हैं आप मेरे पापा को ठीक कर देंगे, पर मैं ये नहीं जानता कैसे। मने भी खबर न थी। What? मुझे नाड़ी चेक करनी है। हॉस्पिटल में साइलेंस जोन होता है ना? जाओ जाओ जाओ। मालिक, सबके सामने ये सब कह को। आज तक किसी जमींदार को इतने नजदीक से नहीं देखा है। कोमा में पड़ा है, लेकिन इसका चेहरा तो देखो, ब्यूटी पार्लर से निकला, चका 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 चक लग रहा है। हो गए हो, लेकिन अब भी उतने ही स्टाइलिश और सेक्सी हो। या बुढ़ी, मेरी बात नहीं कर रही? तुम्हारी कर रही हूँ जानू। उस दिन भी इतने ही कड़क लग रहे थे। किस दिन की बात कर रही हो? मत सताओ, सच बताओ। अब कभी तुम दोनों के देसी रोमांस के बीच चाइना की वॉल नहीं बनूंगा। अब जल्दी से शादी कर लो और मुझे मामा बनाओ। मामा बनने के लिए मुझे मामू क्यों बना? देखा कैसे मुरझाई हुई कश्मीर की कली फिर से खिल गई। तुम उसके लिए प्यार का मौसम बनकर आए मेरे। प्यार का मौसम? भांग पी क्या है? जानता हूँ तुम भी मुझसे नाराज हो, लेकिन वो सब्जी है तो तुम प्याज हो। मैंने दो पंछियों को प्रेम का दाना चुगने से रोका है, इसलिए मुझे तकदीर ने जगह जगह से ठोका है। मेरी बहन से शादी कर लो, समय आ गया है, अपनी बर्बादी कर लो। मालिक,
वो बुढ़िया तुम्हारे पापी बाप की पुरानी प्रेमिका है और ये खबीस उस डायल का हाथ तुम्हारे हाथ में चिपकाने की सोच रहा है। तत्काल मुहूर्त में तुम्हारी शादी करूंगा, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे जब भांजा पैदा होगा और अपने इस मामू के मुंह पर सुसु करेगा। ये सार्वजनिक शौचालय है, तेरा मुंह धोने के लिए मुझे मामू बनाएगा। ये किधर है, किधर है? ये मेरा वो मतलब नहीं था, ये बेकार में गुस्सा हो रहे हो। तुम्हारी साड़ी, साड़ी नहीं, सॉरी सॉरी, मदद करता हूँ। सॉरी, इट्स ओके दादाजी। दादाजी, मुझे इसके पोतों का दादाजी बनना है और इसने मुझे दादाजी बना दिया। रोमांस, इतना बुरा स्वाद तो मेरी इडली का भी नहीं होता था। अरे रे, ये रहा उसका इनाम। मोती, बस बस करो। ये पागल हो क्या? मेरी पूरी साड़ी भिगो दी तुमने। छी। हेलो, ओए, क्या देख रहा है? जाए यहाँ से, काम कर अपना। काम की तो कोशिश कर रहा था, तू बीच में। ए, क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। तूने क्या कहा? मैंने सुना, फिर से बोल। मैं कहा कुछ बोला? छोड़ो भी, जाने दो। तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता इसने क्या कहा। मैंने कहा ना, जाने दो। जब उसने मेरे देखने पर कोई एतराज नहीं है तो तन्ने की प्रॉब्लम ऑडिस है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों उसकी धुलाई कर रहे हो तुम? क्या हो रहा है सब? बोलो, पहले से जाने को कहो। ए, तुम जाओ। सुना नहीं तुमने? जाओ, आराम से मुरली, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जाने दो उसे। दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना मुरली, जान ले लूंगा। My dear, my darling, my कुची 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 कुची। तुसी एक ही कर रहे हो? ये तो मेरा इलाज करने का स्टाइल है ना, अभी अभी ढूंढा है। लव मसाज। तुम यहाँ मसाज कर रहे हो और मैं पैसेज में वेट कर रही हूँ। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? परी जैसी आवाज, डायन जैसी आवाज कैसे हो गई? ये मेरी आवाज नहीं है, आंटी की है। आंटी को? ये तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ICICI में एरो गेरो का आना मना है, जाओ इधर से। मैं तो सिर्फ इलाज करते हुए तुम्हें निहारना चाहती हूँ। ए, कहाँ जा रही है? बैठिया, देख सीख इनसे इलाज कैसे होता है। बॉस, आज तो वाट लग गई। वाट मेरी नहीं, जमींदार की लगी। राय का दिल। तुझे पता है इसे कहते हैं डोसा मसाज? बुड्ढी को पता चल गया? तुम तो मालिश कर रहे हो डोसा बनाने की स्टाइल में, ये बात इसको कैसे पता चल गई? शक हो गया क्या? अरे ये इलाज है, तू देख अब क्या करता हूँ। तो अभी आगे आगे पराठा भाजी। बरोबर बोल लेना। ये एक तो ज्योतिष है, नहीं तो येड़ी है, इसको इतना सब कैसा पता? मेरे बाप ने इलाज किया होगा इसका। वो वाला स्पेशल मसाज कीजिए ना जो मुझे भी करते थे आप, प्लीज। कौन सा वाला? पलंग तोड़ मसाज। क्या लगता है इसको शक हो गया है, बेवकूफ बनाओ इसको। इतनी देर से वही तो बना रहा हूँ, पीठ मसाज डांस करो ना। ठीक है, लगता है इनके घर वालों को बुलाने का टाइम आ गया है, या तो ये ठीक हो जाएगा या हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा। ए, येलो डर्टी फेलो, ये
उस पर चढ़कर सूर्य नमस्कार कर रहे थे अगर वो मर जाता तो? उंगलियों पर आपको प्रेशर करके तुम्हें ठीक करना आता है ना? मुझ पर कितना टराई किया है। तुम्हारी पीठ तो नहीं गई ना? पीठ तो नहीं गई लेकिन सुंदर लड़की चली गई। ये तो मूंगफली के तेल की खुशबू है। किसने खाना खाया यहाँ? गलती से मैंने आपको मूंगफली का तेल पकड़ा दिया। What going on? वो मालिश वाला तेल इलाज के बाद सीधा कुकिंग ऑयल हो जाता है, 2-in-1 ऑयल है ना? ये चुड़ैल की तरह हंस के क्यों गई? ये क्या लिखा है? इसको अपने दिल की बात बोलनी थी, बोलने के बजाय पीठ पे लिख के चली गई। चलो ठीक है, पीठ पे पाउडर डाल के लिखा है, अगर खून से लिखती ना तो इसकी पीठ का तवा फ्राई हो जाता। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है, आज मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। हाँ ठीक है। मन्ना मारेगा तू, अब तेरे तेरी औकात दिखाने पड़ेगी। आधी रात तक कौन घूमी से देखता? तो बोलिए के ए जवाब दे। कौन है वहां?
मुरली, ये घर रहने लायक मेरे घर से, यहाँ भूत और डायन रहती है, तू सबने लेके यहाँ से चलो जाओ वरना सब मर जाएगा। मुतु सुन, मुरली क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा था? जी सर, ओके सर, मैं देख लूंगा। मरने वाला इस फैमिली का ड्राइवर था, जमींदार के बेटे से उसका झगड़ा हुआ था, उसने मारने की धमकी दी थी और लाश के पास भी वही मिला। ओके सर, मैं भी नहीं जानता कि आई एम सॉरी, पर मुझे आपको अरेस्ट करना होगा। कल संडे है इसलिए कोर्ट बंद रहेगा, इसकी बेल परसों होगी। क्या बकवास है, मेरा भाई दो दिन जेल में रहेगा। भैया मुझे जाने दीजिए। छोटी सी बात के लिए ड्राइवर को मार डाला तो सोचो तुम जैसे फ्रॉड डॉक्टर का क्या होगा। ये ढीला, जानवर भी उनको मारते हैं जो हमला करता है। मैं तो झगड़ा शुरू होने से पहले ही सफेद गुलाब दिखा दूंगा। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुझे क्या पता। एक बात और, मेरा हाथ देख, इतनी लंबी लकीर है, हाईवे से भी लंबी, लंबा जीऊंगा। लकीर देख के तकदीर बताते हो? हाँ सही कहा, मेरे हाथ की लकीर देख के लगता है मैं जल्दी फ्लैशबैक में जाने वाला हूँ, मेरे बाल काले होने वाले हैं। झूठ बोल रहे हो, हिरनी शेर की गुफा में, समझ जा। मेरा हाथ कैसा नरम है, मुलायम है, लगता है साबुन की जगह मलाई से। हाथ की बात नहीं कर रही, लकीर की कर रही हूँ। मेरी शादी कब होगी? तुम राजी हो तो अगली पूर्णिमा के दिन शादी हो जाएगी। मैंने तो अभी लड़का भी नहीं ढूंढा। लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले ने सब कुछ सेट कर दिया है। वो कैसा होगा? वो 5.5 फुट लंबा है, सलमान खान शाहरुख खान का मिक्सर है, वो थोड़ा सांवला है, कृष्ण भगवान की तरह। कृष्ण भगवान? मैं कब देख पाऊंगी? अभी तुम उसको देख रही हो। नहीं मतलब उसको देखोगी अगर तुम शाम को 5:30 बजे तुलसी के फेरे लोगी, वो भी आँख बंद करके गोल 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 3 फेरे लोगी ना, तब तक तुम्हारा सुपर हीरो आ जाएगा। एक बात और, वो थोड़ा हटके होगा लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसको स्वीकारना होगा। वहाँ लगता है मुझे मसाज की जरूरत पड़ेगी। मालिक इस मामले को शाम तक कहीं को खींचने का, अभी बोल देते ना कि आप ही दूल्हे हो। अरे मैं इस बुड्ढे के रूप में उसके सामने कैसे जाता, शाम तक हीरो बनने का टाइम मिलेगा। अगर पकड़े गए ना तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अरे ढीले, बाप और बेटे एक जैसे दिखते हैं, मामला गड़बड़ हुआ कि सीधा दादा। ये देख हीरो वाला एंट्री, लंगोर लग रहा हूँ ना, डेसिंग हीरो। बाप के गेटअप में ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे। तेरी आंखों से मूंगफली का तेल निकालूं? और याद रख इस वक्त मैं कॉमेडियन नहीं, हीरो हूँ। कम ऑन। उसने पूजा का दिया जला लिया है। फॉलो मी। वकील ने मुझसे कहा है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं। भाई जी आप अपने हेयर कट करा कर उसे डाई भी कर लिया? नहाते वक्त वो गलती से शैम्पू की जगह डाई लगा लिया तो मैं जवान हो गया हूँ। क्यों, क्यूट लग रहा हूँ ना? ओके लग रहा हूँ, बस ओके। मेरे मुंह पे बोलने के बजाय मेरे पीछे ओके कहा क्या? मेरे पीछे आईना। देखो ना, मैंने तुम्हारी मनपसंद फूल वाली साड़ी पहनी है और कागज का फूल भी लगाया है। आओ निशुना, गले लग जाओ। मैं भैंस के गोबर से नहलूंगा, गटर में रह लूंगा, लेकिन लेकिन इस बूढ़ी को गले नहीं लगाऊंगा। ये गेटअप उसके लिए थोड़ी है, ये तो परी के लिए। उसने पहला राउंड लगा लिया है। मेरे प्यारे जीजू, मेरी बहन हल्दी लगाकर तैयार है और तुम भी सफेद कबूतर से काला कौवा बन गए हो। यू विल डाई फॉर ईच अदर। ले ले, ये तो जीने के पहले मरने की बात कर रहे हैं। उसने तीसरा राउंड ले लिया, जाने दे जाने दे। तुम्हारा सुपर हीरो तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे उसको क्या डोले शोले दिखा रहे हो, चलो एक सेल्फी लेते हैं। तेरी शक्ल देख के मोबाइल भी हैंग हो गया, तू क्या सेल्फी लेगी? हाई बोलती है, किसी के भी साथ बात करती है, ये तो कौन है? ये अनिता का भाई है, जंगली जानवरों की शूटिंग करके जंगली टीवी पर दिखाता है, मतलब मोगली का मामा है। वैसे ये कौन है? सुपर हीरो है वो जो सेठ जी का इलाज कर रहे हैं। वैद्य जी, मुरली ने आपकी काफी तारीफ की, वैसे आप उम्र में काफी छोटे हो इसीलिए मैंने आपसे ऐसी बात की। सॉरी दादाजी। दादाजी इससे अच्छा 2-3 गाली दे दी होती। ए रवि, अनीता ने बताया तुम आने वाले थे, कब पहुँचे? अभी पहुँचा। तो अंदर आओ ना। मैंनू तो ये बहुत ही पसंद आए, थैंक यू है जी। इसलिए? क्योंकि आपने कहा था ना कि तुलसी के चक्कर पूरे करते ही मेरा फ्यूचर हस्बैंड फेस टू फेस होगा। थैंक यू बहन जी। 5.5 फुट का बोला था या 6.5 फुट का है? ओ परवाह नहीं जी, कम थोड़ी मिला, एक्स्ट्रा ही मिला। तुम लड़कियों को एक्स्ट्रा बहुत पसंद है ना? मुझे उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। मुझे तो भगवान ने बोनस में एक्स्ट्रा अंधेर दे दिया। ऊपर वाले ने मुझे एक्स्ट्रा दर्द दे दिया। मंजू को देखो,
चटाक मिली और फट प्यार हो गया। और हमारा प्यार सदियों पुराना है, लेकिन अब तक हम लोग मिल नहीं पाए। तुम्हारे पपीते जैसे होठ आपस में मिल नहीं पाते, हम क्या मिलेंगे? मुझे जाने दो। मैंने सचमुच वहाँ किसी को देखा था। जबरदस्ती की बातें मत किया करो। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। मैंने छुट्टी इसलिए ली कि तुम्हारी शादी की तैयारियां करवाऊं, पर सब उल्टा हो गया। यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है भैया, डरती हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। शादी से पहले ये सब होना अच्छा शगुन नहीं है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुरली को कुछ नहीं होगा। वो रहे अंकल, वहाँ क्या हो रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनिए, मुलाकात का टाइम खत्म हुआ, आप चलिए, मैं आता हूँ। जब मैं पापा के कमरे में पहुंचा तो देखा कि वो हवा में है, और बस उतना ही नहीं, मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है। हादसे वाली रात एक चीख सुनकर मैं बाहर कुएं की तरफ आया, पर वहां कोई नहीं था। जख्मी हालत में एक पेड़ के नीचे गिरा था। जब मैंने उसके पास जाकर बात की तो वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी बात बता नहीं पाया। उससे पहले ही वो यहाँ कोई सर, सबकी जान न खतरा, सर आओ। मुझे अपनी फिक्र बिल्कुल नहीं है, पर उस घर में रहने वाले लोगों पर कोई मुसीबत ना आ जाए। ये बात किसी और को क्यों नहीं बताई? कोई मेरा यकीन करेगा? मैं बस एक बात जानता हूं, उस घर में कुछ बहुत खौफनाक है। उसके कमरे में पहुंचते ही अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, मैं बाहर से कर लूंगा। मैं चिल्लाकर घर वालों को इकट्ठा कर लूंगा, अगले 10 महीने में तुम्हारी शादी गारंटीड उससे हो जाएगी। लेकिन अगर लोगों को पता चल गया कि उसने मेरा रेप किया है तो वो बदनाम हो जाएगा ना। तुम अपनी ढलती जवानी के बारे में सोचो, जल्दी जाओ, मुंह काला करके ही बाहर आना। पूरी कोशिश करूंगी। ऑल द बेस्ट। पोछा लग चुका है और घिसेंगे तो गड्ढे पड़ जाएंगे। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे लिए स्पेशल सफाई करूंगी। एक खाली कमरे में सफाई करने आओ तो ठीक है, लेकिन एक मर्द के रहते इतनी रात को सफाई, तुम पर डाउट हो रहा है। चलो जाओ। आधे मिनट में लाइव सिखा दूंगी। आधे मिनट में क्या तीर मारूंगी? सिखाती हूँ। आज मैं जुए पड़ी है क्या? उसे क्यों बना रही हो? खुद को 18 साल की समझती है जो मैं तेरा ये शो देखूंगा? बुढ़ी, मुझे तेरा असली इरादा समझ में आ गया है। मैं तेरे इस घोंसले में नहीं फंसने वाला है, जल जा। नहीं, चल जा। नो, हाँ, हाँ, नो, नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। अरे सब लोग यहाँ यहाँ से ग्लास किसने चुराया? ये मटकी के साथ एक हाथ फ्री है क्या? तू नहीं गई तो शोर मचा के सबको बुला लूंगा। अरे ये काम तो मेरे भैया को करना था। तू नहीं जाएगी, तुझको भेजना पड़ेगा। आजा आजा। भैया! बुड्ढी, इसकी आंखें ऐसे फटी है जैसे कोई भूत देखा हो। ए, इसको मत हिलाओ वरना मिल्क शेक बन जाएगा। I will be back. I am waiting. भाई को गाय की तरह खींच के तबेले में छोड़।
स्वामी जी भूख लगी है क्या? ये लीजिए कुछ खा लीजिए। तुम उसे पैसा दोगे वो जाकर उसे गटर में फेंक देगा। कीचड़ फेंकता है, भागे ले क्या? दोबारा इस घर के आसपास भी दिखा तो तेरी जान ले लूंगा। चल भाग यहां से, निकल। सुरेश क्या हुआ? पानी के अंदर कैसे आ गए? बोलो बताओ सुरेश। बेटा तुम्हें सुरेश पानी के अंदर कौन लाया? सुरेश हाँ? क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं कैसे पानी में क्या कर रहे थे तुम? ध्यान से सुरेश तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं होगा तुम्हें। इसे भगवान ने बचा लिया। कितनी बार कहा है घर के अंदर खेला करो, क्यों गया था बाहर? हाँ सब तुम्हारी गलती है, एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। तुम्हें कौन सा घर का सारा काम करना पड़ता है? नौकर कभी बाप की जगह नहीं ले सकते, समझे? मेरा ही दिमाग खराब था जो तुमसे शादी कर ली। सुरेश वो खिलौना तुमने बाहर क्यों छोड़ दिया था और वो पानी में कैसे पहुँच गया? वो खिलौना तुम्हें किसने दिया? वो खुद मेरे पास आया। जब वो पानी में गिरा तो किसी को बुलाकर निकलवाना चाहिए था, तुम पानी में क्यों गए? उसने मुझे पानी में खींचा। किसने? जो हमारे घर में रहती है उसी ने। वो हमेशा मुझे तंग करती है। ये बात अपनी मम्मी को बताई? बताऊंगा तो नर्स नाराज हो जाएगी। वो कैसा दिखता है? बताओ कैसा दिखता है? क्या वो पानी में फूल डालना, दीवार पर लाल रंग, बच्चे को खिलौना देना, इन सब बातों के पीछे राज क्या है? बताओ, उस ड्राइवर को क्यों मारा? क्या कहा? घर में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो, सच बताओ। नहीं जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सारा दोष मेरी कुंडली का ही है। मेरे अंकल ने कहा था 19 दिनों तक अगर मैं ये पूजा करूंगी तो मेरी शादी ना बहुत जल्दी हो जाएगी। उस रात जब मैं पूजा करने बैठी थी तो से मैंनू बाइक की आवाज आई थी। मैंने ये राज सबसे इसलिए छुपाया ताकि मेरी पूजा के बारे में किसी को पता ना चले। तुसी मुझे गलत मत समझो जी। तुमने कहा कि बाइक की आवाज आई थी, किस तरफ से? इस तरफ से आई थी। जब मुरली ने ड्राइवर को मारा था तो उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, ऐसे में वो बाइक नहीं चला सकता था, तो फिर उसके साथ कौन था? हमारा पहला कारपेंटर फेसबुक का दीवाना था। एक दिन फेसबुक देखते देखते अलमारी ठोक रहा था और अपने फेस को ठोक दिया। उसके बाद कभी मेरे से फेस टू फेस नहीं आया। दूसरे कारपेंटर रामाकृष्ण को घंटी बजाने का शौक था तो उसे मंदिर भेज दिया। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे कैमरा स्टैंड बनवाना है इसलिए। आप उसे ढूंढ रहे? वॉच नहीं है, वॉच से छुट्टी पर गया। कब तक लौटे? एक दो हफ्ते में वापस आ जाएगा। ए राम, तूने उससे झूठ क्यों बोला? मुझे पता है ना वो जमींदार का रिश्तेदार है, आखिर तूने ऐसा किया क्यों? कुछ है जो अभी नहीं बता सकता। हेलो, yeah।
छुट्टी पे गया है, फिर क्यों आया समझ नहीं आता क्या? चुपचाप यहाँ से चला जाओ वरना जिन पैरों से चल गया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुरली ने खून नहीं किया है। तो किसने किया है? बताता है सर, 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 बताता हूँ सर, मारिए मत। उस रात को मैंने और मुत्तू ने बहुत शराब पी थी। इब तू गाड़ी ना महल की तरफ घुमा ले। इतनी रात को आ गया काम है? काम ही तो करना, चल। यू भिखारी इतना क्यों चिल्ला रहा है? तेरे को समझा के कोई फायदा नहीं। साड़े में सीधा करके आ रहा हूँ। अब फिर से झगड़ा करके क्या फायदा? 30 साल से उनके सारे राज सीने में छुपा के रखे मैंने। उस कल के छोकरे ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। रंबन थप्पड़ मारा। नहीं नहीं मुत्तू, ऐसा मत कर। 2 मिनट में हिसाब किताब बराबर कर दूंगा मैं। मेरे बहुत समझाने के बावजूद भी वो नहीं माना, महल के अंदर कूद गया। काफी देर इंतजार करने के बाद मैंने महल के अंदर देखा। नजारा देख के मैं वहां से भाग गया। अगले ही दिन मुत्तू के खून के इल्जाम में पुलिस ने मुरली को गिरफ्तार कर लिया। अगर मैं भूत की बात करता तो लोग मुझे ही पागल समझने लगते, इसलिए मैं छुप रहा। मैंने सचमुच एक औरत को वहां देखा। जब मैं पापा के कमरे में पहुंचा तो वो हवा में थी। वो हमेशा मुझे तंग करती है। एक जरूरी बात और बोलनी थी सर। क्या? ए, ये क्या चल रहा है? परंपरा है, किसी भी उत्सव से पहले लोक कलाकार हमारे महल के सामने आकर नृत्य करते हैं। इतना ही शौक है तो डांस इंडिया डांस में भेजो। नाची इन्हें मना मत करिए, साहब कोमा में है, इनका नाचना यहाँ शुभ होगा। इनके नाचने से शायद साहब ठीक हो जाए। ये सही कह रही है। तो ब्रेक डांस करने बोलो। तुम्हारा नाच गाना हो गया, अब पैसा मिल जाएगा, ठीक है? तुम पैसा दे। इतना ये सब किस लिए? जो कुछ भी अजीब हो रहा है उस पर विश्वास करना मुश्किल है, इसलिए मैंने सब जगह पर कैमरा लगा दिए। ये क्या? ये एक थर्मो स्कैनर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। वहां देखो, अंधेरे में दिख नहीं रहा ना, मॉनिटर पर देखो, देखो साफ दिखाई दे रही है। जंगल में पेड़ पौधे या जानवर सबके टेम्परेचर्स अलग अलग होते हैं। ये उन सभी टेम्परेचर्स को डिटेक्ट करता है, जिससे हम छोटे छोटे इंसेक्ट को भी साफ देख सकते हैं।
वहाँ कोई था। कहाँ पर? वही था, मैंने कौन देखा? सुरेश कहीं गायब हो गया है। ये आप क्या कह रही हैं? वो मेरे पास ही लेटा हुआ था, जब आप खुली तो वो वहाँ नहीं था। तुम उसका ख्याल नहीं रखोगी तो तुम्हारी खैर नहीं। हे भगवान, लाइट को भी अभी जाना था। चलो चलो, हमें उसे हर जगह जाना चाहिए। आप लाइट भी जाना चाहिए। मैं यहाँ जाता हूँ, तुम उस तरफ जाकर देखो। चलो अनीता। जब भी ये चिल्लाता है कड़पड़ जरूर होती है। ये क्या कह रहे हो जी? जिस दिन अंकल कोमा में गए, जब ड्राइवर का कत्ल हुआ और जब सुरेश पानी की टंकी में गिरा, उस दिन भी ये साधु इसी तरह चिल्ला रहा था। ऐसा लगता है कि इसके चिल्लाने के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। पहले हमें उस बच्चे को ढूंढना चाहिए। सुरेश! अरे किधर हो? सुरेश कहाँ हो बेटा? कहाँ हो तुम? सुरेश! 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 कहाँ हो बेटा? हाइडेंसी खेल रहे हो? निकल, इधर ही छुपने की जगह मिली। एक काका काकी सब ढूंढ रहे हैं, बाहर निकलने भाई। पूरे घर में तुझे ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ बैठा है। चल, आज तेरी खैर नहीं। अब बताती हूँ, चल यहाँ से। परेशान करके रखा है सबको। और हाँ, कितनी बार बोला है बच्चे के सामने डरावनी बत्ती से मत दिखा, गांडी समझती न थी। रवि कहाँ गया? रवि कहाँ जी? रवि, रवि मैं यहाँ हूँ। तुम नजर नहीं आए तो मैं डर गया। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई प्रॉब्लम में है। क्या कह रहे हो? ये खून तो तुम्हारे भाई को कोई घसीटते हुए यहां से ले गया। वैसे मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख पाया, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो किसी न किसी कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। रिवाइंड करके देखिए। कोई वहां से क्रॉस हुआ था। मुझे भी ऐसा ही लगा। रवि फिर से प्ले करो, एक एक फ्रेम को चेक करो। पे औरतें लिपस्टिक और मेकअप का सामान खो देती हैं, और इस घर की औरतें बच्चे और पति खोती हैं। चलो अब देर मत करो। सनी लियोनी का सपना। अरे क्या बोल रही हो कोमल, तुम्हें पता नहीं है क्या? अमेरिका से आने के बाद पहली बार कहीं गए हैं, उन्हें नाइट शो बहुत पसंद है। खत्म होते ही आ जाएंगे, तुम लोग सो जाओ।
चलो। ए, देखा क्या, इनके पति खो गए, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं रमेश का यहाँ पर एक अफेयर चल रहा था, जब साहब को पता चला तो उसका पीछा हाँ। छुड़ाने के लिए इस मैडम से शादी करवा दी, लेकिन फिर भी उस औरत का पीछा नहीं छूटा, अब भी वही गया होगा। सुई जाओ ना। बॉस, घर में इतना सुंदर झूला है तो आदमी खतरनाक रोलर कोस्टर में क्यों जाएगा? एक गांडा, रोलर कोस्टर में बैठने का जो मजा है वो घर के सिंपल झूले में कहाँ। रोलर कोस्टर में बैठ के तो देख, कभी वो नर्क में जाता कभी जन्नत में है। मेरी बहन हम सबकी लाडली थी, इस घर की राजकुमारी थी, दूसरे शब्दों में कहूं तो वही हमारी दुनिया थी। दरअसल मेरे पापा माया को इस घर के लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप मानते थे। उसके पैदा होने के बाद ही मेरे पापा की जिंदगी बदल गई और वो सफलता के नए शिखर छूने लगे। उस दिन से लेकर आज तक हमारा हर नया बिजनेस सिर्फ उसी के नाम से रखा जाने लगा। वो हमसे बहुत प्यार करती थी और हम दोनों भाई उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे। चला कि माया खेतों का काम संभालने वाले नए मैनेजर के साथ भाग गई है। पापा का दिल टूट गया। हमने हर जगह माया की तलाश की, लाख कोशिशों के बाद भी हम उसका पता नहीं लगा पाए। फिर 3 साल बाद एक प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के लिए मुझे बैंगलोर जाना पड़ा और वहां सो टू समराइज दिस मशीन कंबाइंस IMRT एंड CT स्कैनिंग टेक्नोलॉजी। इट हेल्प्स अस स्कैन डीपर एंड फाइंड दोस हार्ड टू रीच ट्यूमर्स एंड ट्रीट देम। Thank you. Congratulations. Very nice demo, Murli. Thank you, sir. With your support, everything will go well. He really did a nice job. Very nice. Excellent. Maya? Sir, one second. Taxi mangwali hai. Hum log Ola se jayenge. तुम दोनों बैठो, मैं देखता हूं। मैंने आज सुबह तुम्हें हॉस्पिटल में देखा, जानती हो कहां कहां ढूंढा मैंने तुम्हें। ये बात पापा को मत बताना, अगर उन्हें पता चल गया तो हमें जान से मार डालेंगे। अगर तुमने हमें बता दिया होता कि तुम इस लड़के से प्यार करती हो, मैं बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी करवा देता। मेरे सारे अरमान दिल में रह गए। थैंक यू पापा। पापा।
मुझे माफ कर दीजिए सर। खड़े हो जाओ बेटा, तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो? अब तुम मुझे पापा कह सकते हो। पहली बार अपनी बेटी के हाथ का बना खाना खा रहा हूँ, बहुत स्वादिष्ट है। थैंक्स। बस थोड़ा सॉल्ट ज्यादा हो गया। सच में? चलने की तैयारी कर लो। कहाँ? हमारे घर। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। तुम्हें हमारे साथ रहना बुरा लग रहा हो तो अलग बात है। दरअसल मैं आधी जायदाद माया के नाम करना चाहता हूँ। जब घर से भागते वक्त इतना नहीं सोचा तो घर लौटते वक्त क्यों सोच रहे हो? चलो ना जीजू। सोच नहीं रहा हूँ, जरूरी काम है। मैं बाद में आ जाऊंगा, आप लोग माया को ले जाओ ना। ठीक है तो तुम चलो। शादी के बाद मैं पहली बार घर आ रही हूँ, अकेले कैसे आऊँ? और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, दो दिन की बात है, काम खत्म होते ही हम आ जाएंगे। माया, माया बेटी कहाँ हो तुम? माया, माया बेटा, माया, माया, अरे ट्रेन चली जाएगी। माया, ट्रेन जा रही है। यही ट्रेन थी ना, तो वो लोग आए क्यों नहीं? हाँ पापा, पता नहीं क्यों नहीं आए। माया, फोन तो करो उसे। क्या हुआ? अरे पूछो उसे। माया, फोन नॉट रीचेबल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा वो आएगी लेकिन वो नहीं आई। मैं फिर से बैंगलोर उसके घर भी गया था लेकिन वो वहां से शिफ्ट हो चुकी थी। पहले मैंने सोचा कि वो पापा के डर से कहीं चली गई होगी, तो मैंने प्रार्थना की कि वो जहां भी रहे बस खुश रहे। लेकिन आज उसे इस हाल में देखा। वो तुम्हारे पापा के डर से नहीं भागी थी, वो दोनों यहां आए थे लेकिन एक स्टेशन पहले ही उन्हें उतार लिया गया। चलो यही उतर जाओ। भैया इस स्टेशन पर क्यों आए? उतरो बताता हूँ। रिश्तेदार तुम्हारे आने की खबर सुनकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए पापा ने कहा एक स्टेशन पहले ही तुम्हें उतार दूं। और फिर यहाँ से हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है, एक घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। क्या वो सेकंड हैंड कार है इसलिए धक्का लगाना पड़ेगा? अरे रुक जा, मैं देखता हूँ। उन्हें आने तो दीजिए। अंदर आ जाओ। अरे भैया क्या कर रहे हैं? रुक ना यार। भैया उन्हें गाड़ी में क्यों नहीं बिठा रहे? कुत्ता है, गाड़ी के पीछे दौड़ने की आदत है उसे, उसे बस उसकी औकात दिखा रहा हूँ। क्या कहा? अपनी औकात तू भूला था। क्या लगा तुम दोनों को कि हम तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलाकर दोबारा अपनी नाक कटवाएंगे? ये क्या रहे हो? खेले मैं देखता हूँ। तेरे जाने का टाइम आ गया। मेरी फिक्र मत कर, तू भाग जा से, बच्चे की जान बचा। Maya!
कूद कर मार दूंगा मैं, जिंदा नहीं बचेगा। ए भैया, छोड़ दीजिए, बाहर मत आना भैया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मेरी आवाज नहीं, तुमने नहीं, आप मत उजाड़िए भैया, छोड़ दीजिए मुझे, समझ लीजिए, नहीं कृष्ण। कृष्ण बाहर मत आना, नहीं भैया, बहुत दर्द हो रहा है। किधर हो तुम? आ जाओ माया, अगर नहीं आई तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। नहीं आई तो अपने पति को हमेशा हमारे होने वाले बच्चे की कसम पाया। तुम उस आदमी को भूल जा बेटी, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, उसका प्रायश्चित तो करना ही होगा। पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपके हाथ चूमती हूं। शायद तुम भूल गए, गांव में हमारी इज्जत है, हमारी हैसियत है, पर तुमने सब मिट्टी में मिला दिया बेटी। सर, शायद तो मेरी जान ले लीजिए, पर माया को जाने दीजिए। कैसे जाने दूं बेटा, पहले तो ये बिल्कुल अकेली थी, अब तो इसके साथ तुम्हारा बच्चा भी है। हाँ पापा, के लिए ना सही, कम से कम हमारे बच्चे के लिए हमें छोड़ दीजिए पापा। वही तो सारे मुसीबत की जड़ है बेटी, जिस बजदाद बच्चे ने हमारे कुल का नाम कीचड़ में उछाला है, उसे जीने का कोई हक नहीं। मैंने तुम्हें बड़े लाड प्यार से पाला है बेटी, इसलिए तुम्हें अपने हाथ से मारना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारे लिए मैं ये जहर लाया हूँ, इसे पी कर मुझ पर एहसान करो बेटी। तुमसे विनती करता हूँ, पी लो बेटी। नहीं माया, वो हमारा प्यार है, ऐसा मत करना। पापा, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप कृष्णा को छोड़ देंगे, उन्होंने शादी के लिए मना किया था, मैंने ही जबरदस्ती की, सारी गलती मेरी है, मैं ये जहर पीने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले आपको उन्हें यहाँ से जाने देना होगा, प्लीज। माया, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूँगा। नहीं माया, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम, फैन मत पीना, ये मुझे भी मार डालेंगे। नहीं माया, मेरी बेटी से प्यार करने की जरूरत है।
जब मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा तो उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? छोड़ो मुझे, दोबारा नहीं है अभी तक। मैंने आप पर विश्वास किया लेकिन आपने धोखा दिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आपके पूरे खानदान को मार डालूंगी। वो अब तक मरी नहीं क्या? भले ही इसके पेट में छोटी जाति का बच्चा पल रहा है लेकिन माया के रगों में अभी भी ऊंची जाति का खून है, इसीलिए इसकी सांसें अभी तक चल रही हैं। इन दोनों को और किसी सुनसान जगह पे दफना, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूं। ड्राइवर ने कारपेंटर के सामने नशे की हालत में माया के कत्ल का राज खोल दिया। उसी से मुझे इस बारे में पता चला। इन बातों से जाहिर है कि माया ने ही ड्राइवर मुथु का खून किया है और रमेश को भी वही ले गई है। और माया जिसे सबसे बड़ा गुनहगार मानती है वो तुम हो। लेकिन मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि तुम ही ने अपने पापा और भाई को उसका पता बताया। अब खानदान के वारिस तुम और सुरेश ही, जिसे माया मिटाना चाहती है। अगर एतराज ना हो तो मैं अपने अंकल से बात कर सकती हूँ। वो बहुत बड़े पंडित हैं। वो आत्माओं को वश में कर लेते हैं। ज्यादा दूर नहीं, केरला बॉर्डर पर, बस आधा घंटा लगेगा। सब लोग यहाँ आओ, गांव से कुछ लोग आए हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। दरअसल बात यह है, कल देवी के मंदिर में एक पूजा है, उसकी कुछ रस्में पूरी करनी होती है। आपके पिता इस गाँव के प्रधान है, इस नाते ये पूजा उन्हीं को करनी थी, पर क्योंकि अभी वो अस्वस्थ है इसलिए उनके बड़े बेटे को ही ये पूजा करनी होगी। लेकिन वो तो किसी जरूरी काम से शहर गए हैं। तो क्या हुआ, उनके छोटे बेटे हैं ना, अब इस पूजा का दायित्व तो आपको ही संभालना है। लेकिन ये काम मैं कैसे? भैया आप चले जाइए, पता नहीं वो वहाँ से वापस कब आएंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए, सब लोग मंदिर में प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आऊंगा। मेरी बात तो सुनिए। मैं चाहकर भी नहीं सुन सकता, मुझे उनसे मिलने तो दीजिए। समझिए मैडम, देखिए उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, वो कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यहाँ आए हैं। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा है, ऐसे में वो पूजा कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं, चलते हैं। रुक जाओ, पूजा की तैयारी करो। पर गुरुजी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये लोग बड़ी आस्था से आए हैं, इनकी मदद करनी होगी। इस रस्म के लिए आपको इस नदी के पवित्र जल को लेकर मंदिर के प्रांगण में ले जाकर जल प्रवाहित करना होगा। हाँ आपकी। अब आप मंदिर की ओर प्रस्थान कीजिए। माना कि माया के साथ अन्याय हुआ, पर क्या वो अपने भाई और भतीजे को मार देगी? आत्मा न्याय और अन्याय की परवाह नहीं करती। जब तक उसकी प्रतिशोध की अग्नि शांत नहीं हो जाती वो लोगों को मारती रहेगी। जिस वक्त उसे मारा गया उस वक्त वो गर्भवती थी, इसकी वजह से वो और ज्यादा क्रोधित हो गई। कई सालों बाद हो रहा है, इसलिए इस बार इसका बहुत ही खास महत्व है। आसपास के सारे गांव के लोग यहाँ आएंगे, अलग अलग वेशभूषा में अपनी अपनी रीति रिवाज के साथ देवी माँ की पूजा करते हुए उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे। थोड़ी ही देर में लोगों का यहाँ मेला लग जाएगा। पूजा
वजह से ये सारी आत्माएं यहाँ आ रही हैं, जिन्हें जबरदस्ती मार दिया गया। रुक जाओ, तुम वो नहीं हो जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर्फ भटकती हुई आत्माओं को ही बुला सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आत्मा कितनी भी ताकतवर हो, अपने आप कभी कुछ नहीं कर सकती। उसे काबू करने के लिए मानव शरीर का होना बहुत जरूरी है। माया ने भी तुम में से किसी के शरीर में प्रवेश किया है। ज्योतिषाचार्य ने सूर्योदय के समय का शुभ मुहूर्त बताया है, उसी समय मंदिर में महायज्ञ आरंभ होगा। और ये भी कहा है कि इसी मुहूर्त में सब कुछ हो जाना चाहिए। उसी समय मंदिर में महायज्ञ भी आरंभ किया जाएगा। यज्ञ की लौ काफी ऊपर तक जाएगी। और जब यज्ञ की लौ काफी ऊपर पहुंच जाएगी, तब लोग मंदिर के ऊपर से जल प्रवाहित करेंगे। उसी जल से माता का अभिषेक होगा, फिर माता की शक्ति जागृत हो जाती है। कल देवी के मंदिर में महायज्ञ होगा। यज्ञ समाप्त होने से पहले वो आत्मा ताकतवर रहेगी और कल वो बदला लेने की कोशिश करेगी। हमें पता लगाना होगा कि वो किसके शरीर में है। क्या करना होगा हमें? पहले तुम पता लगा लो, उसके बाद मैं खुद आऊंगा। कितने दिनों के बाद पी रहे हैं, दिमाग में जंग लग गई थी। दारू में तो खुशबू ही नहीं है। खुशबू चाहिए तो मेरा बॉडी स्प्रे पी लेने। अरे कितने दिनों के बाद मिला है, गला गीला करने। ये पानी है? आप बहन शू करे छे? कुएं में अंगूठी गिर गया। मार दिया तूने, मार दिया ना। इतने दिनों से लोगों को मार रही है, अब ये तेरी बोल बोलता हूँ। बुला सबको, ए बुलाने, ए इडली खाने के लिए मुंह क्या खोल रहा है, चिल्ला के बुलाने। तुझसे नहीं होगा, तुझे किक लग गई है। तू इधर ही रहना, मैं बुला के लाता हूँ। लाल साड़ी पहन के तैयार होके ऐसे खड़ी है जैसे दुल्हन का रोल करना हो, शूटिंग के लिए आई हो। लेकिन एक्सीलेटर दे रहा हूँ, लेकिन गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? ये कौन है? शायद उसकी कोई सहेली होगी। सहेली है या पहेली है, दोस्त के घर रहना चाहिए ना, उसकी बॉडी में क्यों रह रही है? ये तो चुराने वाली है। वही रहना। अच्छा हुआ भूतनी ने हमारे साथ चक्कर नहीं लगाए, वरना सात फेरे के बाद इससे हमारी शादी हो जाती। मैं जिंदगी भर कुंवर रह रहूंगा। रुक जाओ, थप्पड़ मारने की वजह तो बताओ। ये गंडा गंडा हो गया है, कुछ नहीं किया है हमने, फिर भी झापड़ पड़ रही है। अगर ये चिल्लाएगा तो पापड़ बनेगा। अगर तुम वाकई एक शेर दिल चुड़ैल हो, अगर तुमने भूतों का दूध पिया है, तो इसको मार के बताओ। मैं तो गया, जिस सांप को मैंने इडली खिला के बड़ा किया, उसी सांप ने मुझे काटा। मेरी भूत बहना मेरे जैसे मरे हुए को मार के आपकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। माया मुझे माफ कर दो,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो। अपनी छोटी शान और शौकत के लिए तुमने मेरे पति और बच्चे को इतनी बेरहमी से मार दिया। अब दया की भीख मांग रहे हो? उनसे भीख मांगो जो तुम्हारे तलवे चाटते हैं, बचा लेंगे वो तुम्हें। बस तो मुझे बेटी, मैं तुमसे दया की भीख मांगता हूँ। इसी जहर से मैंने एक बाप को अपनी बेटी की कोक उड़ाते देखा, आज वही जहर मैं तुझे पिला रही हूँ। मालिक पता नहीं क्यों, लेकिन बॉडी बहुत दर्द कर। सही कहा, सस्ती पी के तो माथा दुखना चाहिए, ये शरीर क्यों दुख रहा है? हवे मने खबर पड़ी। वो क्या है? नशे की हालत में हमने किसी को जोर जोर से मारा है। हमने तो मारा और हमारा शरीर इतना दुख रहा है, जिसको हमने मारा उसका कितना दुखता होगा। नींबू आत्मा के बारे में बताएगा, ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही शक्तिशाली नींबू है, अंकल ने कहा है तो सच ही होगा। लौटे ही नहीं। हाँ भाभी, जब से अमेरिका से लौटे हैं किसी की परवाह ही नहीं है। मेरी किस्मत में बस इंतजार लिखा है। मतलब आत्मा भाभी के शरीर में? किसकी? माया की। हाँ अनिता, माया की आत्मा। माया? वक्त आने पर बताऊंगा, फिलहाल भाभी से जरा दूर रहना। मैं घर के बाकी लोगों को भी बता देती हूँ। आत्मा तुम्हारी भाभी में नहीं, मेरी बहन के शरीर में है। क्या मतलब? जहाँ से भाभी आई थी ये उस तरफ से काला नहीं हुआ, बल्कि उस तरफ से हुआ जिस तरफ से मेरी बहन अनीता आई थी। मैंने मामले को और उलझा दिया। ये अच्छा ही हुआ कि वो ये बात जानती है कि हम लोगों को भाभी पर शक है। हमें एक घंटे के अंदर अंदर अनीता को हर हाल में इस घर से दूर ले जाना होगा। वो क्यों? ये क्या कह रही हो? भाभी के शरीर में भूत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यकीन नहीं होता तो पैरों के निशान देखो। बाप रे, एक पैर सीधा एक पैर उल्टा, चप्पल कैसे पहनती होगी? वैजी मर गया, मुझे बुला रही है। कहाँ है वैजी? जा, भूतनी माता बुला रही है। ये चुड़ैल स्कूल टीचर की तरह अटेंडेंस क्यों ले रही है? वैजी जल्दी आ रही है। चन्ना तू चल मेरे साथ, मुझे बुला रही है तो जाना पड़ेगा ना। चलो जय हनुमान, बहुत ज्ञानी गहरा सागर कपीश समथिंग बहुत बहुत। गलत क्यों बोल रहे हो? इसे ऐसे बोलते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशते हूँ लोक उजागर। भूतनी भूत भगाने वाला मंत्र पढ़ रही है, इससे तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। आपके चेले ने मुझे बालों के लिए दवा दी थी, ठीक है, लेकिन जब से लगाना शुरू किया है बाल और तेजी से झड़ रहे हैं। फिर तो इसे नकली भूतनी कह के बुलाना पड़ेगा। नकली तेल बेचने के लिए ये चुड़ैली मिली थी। कौन सा तेल है? नाम तो नहीं पता पर मूंगफली का तेल लगता है। मूंगफली का तेल? मैं बदल डालूंगा चेले को। नहीं नहीं, तेल बदल डालूंगा। कौन है आप? मैं मंजू का अंकल हूँ, मंदिर के उत्सव में आया हूँ। उसने कहा तू यहाँ ड्यूटी कर रही है इसलिए मिलने चले आए। अरे घर में एक भूतनी की एंट्री से हम सब लोगों को डिसेंट्री लगी हुई है, बस एक तांत्रिक की कमी रह गई थी। आप लोग अंदर आइए, मंजू को बता दो कि उसके अंकल आए हैं। जी छोटी मालकिन आइए जी। क्या हुआ? कुछ नहीं,
रेस्टोरेंट में जाके मस्ती मत करना। चलो संभल के जाना। अभी आप नहीं आ रही? नहीं, सर में बहुत दर्द है। आप जब से आई हैं घर से बाहर नहीं निकली है। चलिए आज बाहर डिनर करते हैं। अगर वो मना कर रही हैं तो तुम जिद मत करो। ये हम लोग को ले चलो। हम साथ में चलेंगे। इतने बड़े घर में भाभी के साथ अकेले नहीं रह सकते। ठीक है आप भी चलिए। चल चल आजा आजा। चलो चलो आगे गुरुजी। चलो चलना। तुम्हारे अंकल डिनर पर नहीं आ रहे क्या? वो डिनर कर चुके हैं। आज वो हम सबका डिनर कर जाती। आगे बैठो कि पीछे बैठो? नहीं नहीं छुप के पीछे ही बैठ जाती हूँ। बिना कंडक्टर वाली बस। ए, पीछे आओ ना, अच्छी हवा आएगी। हवा नहीं उल्टी आएगी, मुझे बस में उल्टी होती है। रुको मैं आ रही हूँ। घर पे बैठकर क्या मच्छर मारूंगी? मच्छर नहीं, हमको मच्छर की तरह मारोगी। एसी होटल में बैठ के हमारी एसी की तैसी करोगी। मेरी बस बैठ गई, क्या करूं? बकरी की बलि चढ़ेगी। यहाँ मुथु ने कहा था उसे यहीं कहीं दफनाया गया है, पर सही जगह मुझे भी नहीं मालूम। क्या? मैं क्या कह रही हूँ, थोड़ा पीछे जाके बैठो ना, बहुत अच्छी हवा आएगी, पीछे आराम से बैठोगी ना। क्यों बैठूं? यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ गप्पे लड़ाती हूँ ना, बहुत मजा आएगा। गप्पे मारते मारते मुझे ही मार देगी ये। बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बैठी, भूतनी के साथ। क्या हुआ? कुछ नहीं, सीट छोटी पड़ रही है। क्या मजाक है, सीट का साइज तो वही है। थोड़ी छोटी हो गई है आपके आगे के। तो मेरी फेवरेट दीदी हो, मैं आपके साथ बैठूं? सबकी रक्षा करना, रक्षा करना। इस नारियल से हम उस जगह को ढूंढ पाएंगे जहां मायो को दफनाया था। मर गया क्या? मेरे पीछे जो भूतनी बैठी है अपने खंजर जैसे हाथ और छुरी जैसे नाखूनों से मेरा गला दबोच रही है। उस भूतनी के पास फालतू टाइम है, मैं देखता हूँ। यह बुड्ढा जिसको उसके नाखून समझ रहा है वो खिल रहा है, मौके का फायदा उठाना चाहिए। काका अगर मरने से बचना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। कैसा? अपनी बहन की शादी मुझसे नहीं कराओगे? ये बुड्ढे ने तो फैसला ही बदल डाला। मौत के फटके बड़े बड़े फैसले बदलवा देते हैं। बहन और मिल जाएगी, जिंदगी नहीं। सारूचे सारूचे मेरा हाथ कस के पकड़ ले। पहले मैं एक मंत्र पढ़ूंगा, फिर मैं जोर से फूंक मारूंगा, फूंक मारते ही तुम उछलना। भूख मारते ही वो हाथ फूल हो गया। तुम तो भूतों को भगाने के स्पेशलिस्ट लगते हो। दोनों मिलकर हाथ की बजाय पीछे बैठी पूरी भूतनी को भगाते हैं। वो भूत भगाने का मंत्र वन टाइम पासवर्ड की तरह, दूसरी बार नहीं वापर सकते हैं। बहुत दूर है, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? अनीता एक एप्पल काट के देना जरा। सॉरी अनीता, अचानक होटल आ गया तो ब्रेक लगा दिया। आप सब अंदर जाकर ऑर्डर दे दो, मैं और सुरेश जरा गाड़ी पार्क करके आते हैं। अभी जाओ, मैं इनके साथ आ जाऊँ। तुम तो मेरा सेफ्टी कवच हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जाऊंगी। चल चलो। लगता है डिनर में हम दोनों को खाएगी। क्या कहा? नहीं नहीं कह रही थी, मैं तो बहुत बार आई हूँ यहाँ। क्या लेंगी मैडम? होटल में जितना नॉनवेज है सारा ले आओ। ठीक है मैडम। चलो ना। कहा? तुम अकेले जाओ। जल्दी चलो, कंट्रोल नहीं हो रहा, चलो ना। अरे मर गया। ओहो,
तुम लोग समझ रहे हो कि आत्मा मेरे अंदर है, लेकिन वो तो अनीता के अंदर है। ये सच बोल रही है, माया की आत्मा अनीता में है। उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हमें ये सब पता है, इसलिए हम सब भाभी से डरने की एक्टिंग करेंगे। घर में जो अंकल है ना, वो बहुत बड़े पंडित हैं। वो इस आत्मा को भगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्हीं के कहने पर ही मुरली अनीता का खून का सना रुमाल उन्हें देने के लिए उनके पास गया। किसी भी तरह इस जादुई सिहाई को अनीता के सर पर लगाना होगा, उसके बाद ही पूजा सफल होगी। इसीलिए तो हम सब यहाँ आए हैं। साड़ी पकड़ने की क्या जरूरत? अगर तुम चली जाती तो मुझे अकेले में डर लगता है ना, इसलिए मैंने तुम्हारी साड़ी पकड़ के रखी थी। मैडम सूप, यकीन ना हो तो उसकी परछाई देखो। कई लोग तो भूत के नाम से सुसु कर देते हैं, तुम्हारी बहन तो सुसु करने के लिए भूत को ले गई। अच्छा वो भूतनी वहां जाकर बैठ गई। तुम कहां जा रही हो? मुरली क्यों नहीं आया? अरे वो कहाँ भागा जा रहा है, तुम तो मेरे साथ में रुको, मेरा सेफ्टी कवच हो, तुम बैठो ना, मुझे कंपनी दो। मेरी बहन बड़बोली है, बिना अनीता का सच जाने वो उस भूत को कुछ भी अनाप शनाप बोल के मुसीबत में फंस सकती है। चिंता मत करो, मैं उसे बुलाती हूँ। आपके बुलाने से भी वो हार्ट अटैक से मर जाएगी। देखो वो भूतनी मुझे प्रपोज कर रही है। वो अभी तक आपको भूत समझ रही है। अरे तुम रुको, मैं बुलाता हूँ। तुम रहने दो, ये केस मैं हैंडल करता हूँ। मैं उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मुझे सिगरेट की हीरोइन की तरह एक्सप्रेशन दे रही है। लगता है मेरी तपस्या सफल हो गई, वो मुझे बाहर बुला रहा है। तुम 2 मिनट रुको, मैं आधे घंटे में आती हूँ। जुदाई की सिल्वर जुबली के बाद आज रोमांटिक मौका मिला है हम दोनों को। Give me a long kiss! अरे रे रे, हाथी की सूंड बनकर तू अनीता के साथ बैठी है ना, उसके शरीर के अंदर माया का भूत है। ऐसे चिल्ला मत, तेरी आवाज सुन के मैं मर जाऊंगा। मैं इतनी देर से उसे come on के साथ में चिपक रही थी। बस इतना ही नहीं, एक और काम है। तुझे यह जादुई साई उसके सर पे लगानी है, ठीक है? ना, मैं करबो ना। मतलब तुम चाहते हो कि मैं उसकी मांग में स्याही भर दूं? बुढ़िया, मैं नहीं करूंगा। हिम्मत रख। तुम शुरू तो करो, मैं साथ रहूंगा। तो वादा रहा? तो करूंगी। मैं तो रहूंगा, तुम नहीं रहोगी। क्या हुआ? मक्खी थी। मुझे तो नहीं दिखा। रजनीकांत थोड़ी है जो सामने आकर खड़ा हो जाएगा। रजनीकांत हाथ से फिसल गया और मक्खी भी चली गई। अब नहीं बचेगी। आया, मुझे भवच मुंडी रख ली। तुम्हारे कराटे चॉप से मर गया लगता है। तुझे एक और भूत रेडी हो गया। नाना, इसकी आत्मा कुकर की सीटी की तरह उड़ गई। उसे देखा क्या जो इस वैन को ड्राइव करके लाया था? मुझे नहीं पता, वो तो बच्चे को लेकर बहुत पहले निकल गए। जल्दी चलो, वो जा रही है। रुको, या बुढ़े की आत्मा है मारा आत्मा। यहाँ खोदना शुरू करो। सुपर फास्ट भगा रही है। आत्मा इससे ज्यादा तेज उड़ती है। टाइम वेस्ट मत करो, जाके उसके सर पर स्याही लगाओ। जल्दी जाओ। मुझे मेरे गाल पे चिली सॉस कौन लगाया? ऐसा तो है ना, इसका मुझे 25 साल से इंतजार था। सोया सॉस लगाओगी तो मैं सो जाऊंगा। क्या बोल रहे? पीछे जाकर तुमसे बदबू आ रही है। मैडम एक मिनट के लिए गाड़ी रुको, जोर से लगी है। ए बहन, ये तो परफ्यूम लगाने के बाद भी बास मारता है, सोचो सुसु के बाद कितना बास मारेगा। जल्दी जाओ। 1 घंटे से पहले वापस मत आना,
एक नंबर के साथ दो नंबर भी करके ना। जा 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 जा। अचानक हवा आनी क्यों बंद हो गई? गाड़ी क्यों रुक गई? क्या बदतमीज ड्राइवर है? अब किसकी बारी है? किस चीज की बारी? ये स्याही लगानी है ना। देर में एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए जैसे तुम्हारे लिए आसान है। लगा दिया लगा दिया। क्या घूर रही है छिपकली? तुझे लगा हम डर जाएंगे? अरे तेरे जैसे 3600 भूतों को ठीक कर चुका हूँ मैं। आखिरी वार्निंग, मौका अच्छा है, दुम दबा के भाग ले वरना पछताएगी। तू जानती है मेरे पीछे कौन बैठा है? तू जैसे सी ग्रेड लो लेवल घटिया भूतों को भगाने वाला एक्सपर्ट तांत्रिक वो इंसानों के लिए एक बहुत ही घटिया डॉक्टर है, पर भूतों और चुड़ैलों का बहुत बड़ा सर्जन है। अपना असली रूप दिखा इसे। गायब कहाँ गए सब? आज तक तुमने देखा होगा भूत इंसान को थप्पड़ मारता है, लेकिन आज तो WWF स्टाइल में लात मारते हैं। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? इस गुस्ताख ने ऐसा कहा, मुझे उसका नाम बताओ। अरे मत मारो, सुसु निकल जाएगी। मुझे बाहों में भर लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और तुम्हें देखकर मुझे तुम पर उल्टी आ रही है। मुझे दुम लगी है? वो तो मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारी दुम कहाँ है? मैं तो खुद उल्लू की दुम हूँ। मेरे भाई की क्या हालत कर दी? बचपन में प्रोटीन बहुत पिया होगा, इसीलिए मार खा के भी जिंदा है, अंग्रेजी का 8 बन गया है। लेकिन वो यहाँ नहीं आएगी। मुरली और सुरेश को मारने की इच्छा और भी भड़क उठी होगी और वो उन्हें ढूंढने सीधा घर पहुंचेगी। Ah!
आखिरकार पाप का अंत हो गया गुरुजी। ये अंत नहीं, शुरुआत है। उस आत्मा को मुक्त करने का एक ही उपाय है। मैं तुम्हें त्रिशूल दूंगा, उससे माया के शरीर पर वार करना होगा, पर माया ये वार अपने हाथों से करेगी। ये कैसे संभव? कोई भी आत्मा किसी भी शरीर को अपने वश में कर लेती है और फिर अपना मकसद पूरा करने के लिए उसमें प्रवेश करती है, पर यह संभव नहीं कि वो आत्मा की हमेशा जीत हो। एक वक्त आता है जब उस बुरी आत्मा की हार होती है। तुम्हारी बहन की आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं कि माया की आत्मा को हरा सके। एक पवित्र आत्मा एक बुरी आत्मा को आसानी से पराजित कर सकती है। जब भी एक पवित्र और पापी आत्मा में द्वंद होता है तो किसी मृत या जिंदा इंसान के शरीर का नष्ट होना तय होता है। यानी अगर पवित्र आत्मा जीत भी जाए, हमेशा एक संभावना बनी रहती है कि उसका जिंदा शरीर संपूर्ण तरीके से नष्ट हो जाएगा। यानी किसी को अपना शरीर दांव पर लगाना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्या कोई ऐसा इंसान है जो इतना बड़ा खतरा मोल ले? मैं तैयार। अब तुम भगवान से प्रार्थना करो कि जो भी हो अच्छा हो। क्या करेंगे? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आप चुप क्यों हैं? बात क्यों नहीं कर रहे? कुछ बोलिए। भगवान रक्षा करेगा, देवी के मंदिर पहुंचो। आपके बिना क्या करूंगा? जाओ, देवी रक्षा करेगी। चलो। Thank you.
मुझे आने में देर हो गई। चलिए यज्ञ शुरू कीजिए। मुहूर्त के लिए 10 मिनट शेष बचा है। हम उससे पहले पूजा आरंभ नहीं कर सकते। बस थोड़े ही समय में तुम्हारी पवित्र आत्मा उस बुरी आत्मा पर काबू कर लेगी और फिर तुम जो चाहो उससे करवा सकते हो। आगे बैठेगा, नो प्रॉब्लम, आगे आ जाओ। सुरावी, अब फिर कब मिलोगे? एक अर्जेंट शूट के सिलसिले में मुझे केरला जाना होगा। शूटिंग खत्म करके मैं आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, टेक केयर, बाय अनिता। बाय भैया, अपना ख्याल रखना। तुम यहाँ कैसे? इतना लंबा सफर तुसी अकेले कैसे करोगे? मैंने सोचा आपका साथ दे दूं। मंजू, मंजू, मत। नहीं ये किस्मत में लड़की जिया बेकार की नुकसान था गया। मेरे प्यारे जीजू, मेरी बहन को भी तुम्हारे साथ भेजू। ए बुड्ढे, तुम्हारी बहन ने धोखा दिया, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। उस शादी के बाद मैं पैदा हुआ, बाप की गर्लफ्रेंड से मैं कैसे शादी करूं? हूँ जाओ छू। जाने से पहले मेरे हाथ से एक ग्लास मीठा दूध तो पीते जाओ। ये पीछा नहीं छोड़ेगी, ये ले पी लिया, अब जा। गुड बाय। पी गया ना? तुम्हारे इंतजार में मैं 25 साल से बैठी रही और तुमने शादी कर ली और एक बच्चा भी पैदा कर लिया। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? उसी बेवफाई का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारे दूध में चूहे मारने का जहर मिलाया था। ए बुढ़िया, सही टाइम पे शादी होती तो मेरे जैसा तेरा बच्चा होता। मुझे अगर तुम मेरी बहन से शादी करने के लिए तैयार हो तो मेरे पास जहर का तोड़ है, एक कप और पिला दे पर शादी नहीं करूंगा। तू नहीं मरेगा, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं भी तेरे साथ रहूंगी। हां, फंसवा लिया।